दोस्तों, चीन के साथ भारत का सीमा विवाद बहुत पुराना है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दोनों के बीच सीमा का निर्धारण ना होना, क्योंकि दोनों की सीमा रेखा मैकमोहन लाइन के आधार पर बटी हुई है, जिसे भारत तो मानता है लेकिन चीन ने इसे कभी नहीं माना, और इसलिए वो अक्सर भारत के साथ सीमा विवाद में उलझ जाता रहा है। चीन के बौखलाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है वो सड़क जिसे भारत बॉर्डर के करीब बना रहा है। इस सड़क के बन जाने से चीनी बॉर्डर के पास भारत की स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी और चीन इसी बात पर चिढ़ा हुआ है। हालांकि भारत चीनी बॉर्डर के पास सिर्फ सड़क ही नहीं बना रहा, बल्कि लद्दाख तक पहुंचने के लिए वो हिमाचल के रोहतांग से भी एक लंबी सुरंग बना रहा है, जिससे बहुत कम समय में लद्दाख पहुंचा जा सकता है। इस टनल के बन जाने से किसी भी मौसम में मनाली से लेह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अभी के समय में सर्दी के मौसम में मनाली से लेह जाना नामुमकिन हो जाता है। इतना ही नहीं, ये टनल दुनिया का सबसे लंबा टनल भी है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इसी टनल के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बनने के बाद भारत एक और रास्ते से चीनी सेना के करीब पहुंच जाएगा। मनाली से कारगिल और लद्दाख पहुंचना होगा आसान। इस साल शुरू हो सकता है रोहतांग टनल। हिमाचल प्रदेश में बन रही दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का काम तेजी से चल रहा है। इसका काम सितंबर तक पूरा होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। भारत के लिए ये टनल कितना जरूरी है, इसको इस बात से ही समझा जा सकता है कि जब कोरोना की वजह से पूरा देश थम सा गया था और सभी काम बंद कर दिए गए थे, तब भी विशेष परमिशन लेकर इसके काम को चालू रखा गया था। इसमें लाइटिंग, वेंटिलेशन, इंटेलिजेंस, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फिट किए जा रहे हैं। इस टनल के बन जाने से भारतीय सेना अब मनाली होते हुए कुछ ही घंटों में कारगिल और लेह लद्दाख पहुंच सकेगी। 8.8 किलोमीटर लंबी अटल रोहतांग सुरंग न केवल सरहद को 46 किलोमीटर नजदीक लाई है, बल्कि इसने 6 महीने दुनिया से कटे रहने वाले जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोगों को भी राहत दी है। लेह लद्दाख से देश की सेनाओं तक आसानी से पहुंचने और रसद पहुंचाने के लिए बनाई जा रही अटल रोहतांग सुरंग का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। 4,000 करोड़ की लागत से बन रहा है रोहतांग टनल। पीर पंजाल की पहाड़ियों में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही इस आधुनिक एवं महत्वपूर्ण सुरंग का रोड वर्क लगभग पूरा कर लिया गया है। 4,000 करोड़ की लागत से बन रहे इस टनल का काम इसी साल के अंत तक पूरा होना है। ये सुरंग 8.8 किलोमीटर लंबी है। ये 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इससे हिमाचल प्रदेश के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों और लद्दाख के बीच सभी तरह के मौसम में सड़क यातायात सुगम हो जाएगा। इसके निर्माण के दौरान सीमा सड़क संगठन को कई तरह के भौगोलिक और मौसम संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी बीआरओ ने सड़क को बनाने का काम पूरा किया। रोहतांग सुरंग वाया शिंकुला और जौंस्कर घाटी होते हुए सेना को कम समय में कारगिल पहुंचाएगी। चीन के साथ युद्ध के हालात में भी ये सुरंग सेना के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। भारतीय सेना के लिए लाइफलाइन साबित होगी टनल। भविष्य में ये टनल लेह लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के लिए भी लाइफलाइन साबित होगी। पीर पंजाल की पहाड़ियों को भेद कर बनाई गई इस सुरंग के नीचे एक और टनल का निर्माण हो रहा है, जिससे आपात स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। टनल के अंदर सेरी नाले में कुछ भाग पर दिक्कतें आई थीं, जिन्हें दूर किया गया है। टनल में वेंटिलेशन और लाइट समेत फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है और माना जा रहा है कि कुछ ही महीनों में ये सुरंग देश को समर्पित कर दी जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।